नमस्कार, हिम्बुटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रूप व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रात को 7 से 9 घंटे की नींद लेना सभी के लिए जरूरी है। यह आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सोने के समय के साथ इसके सही तरीके का भी ध्यान रखना चाहिए। आपने पहले भी सुना होगा सोने की अच्छी मुद्रा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सोने की अलग अलग स्थिति आपके कंधों, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं गलत तरीके से सोने के कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम सभी सोने के सही तरीके के बारे में जानें और इसका पालन करें। सोने के सही तरीके का मतलब है उस मुद्रा से है जो आपके मांसपेशियों, तंत्रिकाओं को आराम देती है। इतना ही नहीं, अध्ययनकर्ताओं ने यहाँ तक बताया कि अगर आप सही तरीके से सोते हैं तो यह स्लीप एपनिया और खर्राटे आने वाली समस्याओं को भी कम कर सकती है। खराब मुद्रा बढ़ा सकती है आपकी दिक्कतें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं सोने बैठने के गलत तरीके के कारण पूरी सेहत पर कई प्रकार से नकारात्मक असर हो सकता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करने वाली समस्याएं भी हो सकती है। खराब मुद्रा के कारण तनाव की समस्या से लेकर मांसपेशियों में कमजोरी और लचीलापन, गर्भावस्था और मोटापे की भी दिक्कत हो सकती है। खराब मुद्रा के कारण मांसपेशियों या लिगामेंट में खिंचाव भी आ सकता है जो गंभीर दर्द और असहजता की स्थिति का कारण बन सकती है। सोने का सही तरीका बहुत जरूरी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं औसतन हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा लेटकर या सोते हुए बिताते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है रोजमर्रा के दर्द और तकलीफों को कम करने के लिए सोने के लिए सही तरीके के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए जानते हैं किस तरीके से सोने का शारीरिक स्थिति पर क्या असर हो सकता है। करवट लेकर सोना। अधिकांश लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि वयस्क अपना आधे से अधिक समय करवट लेकर सोने में बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ यह अधिक सामान्य हो जाता है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन कम हो जाता है। करवट लेकर या अपने पैरों को मोड़कर सोने से आपके वायु मार्ग को खुला रखने में मदद मिलती है। इससे खर्राटे और हल्के स्लीप एपनिया को भी कम किया जा सकता है। पीठ के बल सोना। आपकी नींद की मुद्रा को बेहतर बनाने के लिए पीठ के बल सोना सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। यह बेहतर रेखण को बढ़ावा देने के साथ बाहों और पैरों पर दबाव कम करता है। गर्दन या पीठ दर्द से पीड़ित लोगों को, विशेषकर पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या को कम करने के लिए पीठ के बल सोना सबसे लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।